धनबाद कांग्रेस के गुटबाजी से नाराज धनबाद जिला के प्रभारी मंत्री बन्ना गुप्ता ने जिला के 20 सूत्रीय धनबाद लोकसभा प्रभारी के पद से इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व को प्रभार से मुक्त करने का उन्होंने आग्रह किया। धनबाद जिला अध्यक्ष संतोष सिंह के साथ अन्य नेताओं की भूमिका से नाराज हुए बन्ना गुप्ता शुक्रवार को धनबाद लोकसभा समन्वय समिति की बैठक में उभरी गुटबाजी के बाद सभी बैठक में अपने संबोधन के बाद मंत्री बन्ना गुप्ता ने 20 सूत्रीय प्रभारी लोकसभा के पद से इस्तीफे की घोषणा कर दी है। वक्तव्य देना होगा, वो वक्तव्य जलेश्वर महतो जी हैं, अजय दुबे जी हैं, वो देंगे। लोकसभा का शुभकामना दे रहा हूँ जीत का। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ धनबाद से संवाददाता अशोक जुड़ रहे हैं। अशोक, देखिए कल एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और बन्ना गुप्ता ने अपने भाषण के अंतिम में 20 सूत्रीय और लोकसभा प्रभारी के पद से इस्तीफा की घोषणा कर दी है। बिल्कुल सुष्मिता, देखिए ये कल लगातार बैठकें हो रही थी, विवाह मंडप में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की जा रही थी कि लोकसभा का उम्मीदवार कौन होगा। इसमें लेके उहापोही की स्थिति थी, कई प्रत्याशी दावेदारी कर रहे हैं लोकसभा के लिए। इसी मामले को लेकर बन्ना गुप्ता ने साफ तौर पर कहा कि मैं प्रभारी मंत्री हूँ, मेरे ऊपर इस तरह का आप लोग दबाव न बनाइए कि ताकि पार्टी को भी नुकसान भुगतना पड़े। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी इसकी खुद नेता है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो फैसला करेंगे कि आखिर लोकसभा का यहां से प्रत्याशी कौन होगा। हां, बैठक में इतना जरूर तय किया गया कि बैठक में सभी लोगों की बातें रखी गई कि अगर जिनकी बहुमत मिलती है उनको जो है एक लिस्ट के आधार पे पार्टी को सौंपा जाएगा कि इनके समर्थन में इतनी जनता है, इतने नेता है, उनको टिकट दिया जा सकता है। तो इसी मामले को लेकर पूरी तरह से नाराजगी थी कार्यकर्ताओं में इस तरह की नाराजगी थी, लग रहा कि कोई पुरानी दुश्मनी लोगों से है। तो यही कारण था कि पूरी हंगामे के साथ वो भेंट चढ़ाव लोग का बैठक जितना भी था। तो यह साफ तौर पर बन्ना गुप्ता ने यह कहा कि ऐसे बैठकें नहीं होती है, क्योंकि एक अनुशासन की पार्टी होती है, एक अनुशासन में आप लोग को रहना चाहिए, क्योंकि एक सोनिया गांधी, राहुल गांधी खुद अनुशासन में रहते हैं और जो हमारी इंडिया गठबंधन बनी हुई है अब उसके अनुसार, क्योंकि हमको सबको मिलाकर चलना है कि कितने सीटें पे झारखंड में लोकसभा चुनाव हमारी पार्टी लड़ेगी वो इंडिया फैसला करेगी, हमारे बड़े नेता फैसला करेंगे, ना कि हम फैसला करेंगे। हमने सिर्फ बैठक के लिए आया है कि भाई लोकसभा का चुनाव होना है, इसकी कैसे तैयारी की जाए, इसी को लेकर जो तैयारी की समीक्षा की जा रही थी। इसी बीच कुछ कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया, हंगामे के दौरान तब जाके बन्ना गुप्ता ने कहा कि ऐसी बात है तो मैं पद से इस्तीफा देता हूं, जो प्रभारी मंत्री हमें पद मिला है मुझे उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इतने दबाव मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूं। सुष्मिता, बिल्कुल अशोक, और देखिए उन्होंने सीएम और कांग्रेस नेतृत्व से इस पूरे मामले पर आग्रह किया है कि उन्हें प्रभार मुक्त किया जाए। क्या लगता है कि उनके आग्रह पर सीएम और कांग्रेस नेतृत्व क्या कुछ फैसला ले सकता है? जी देखिए, अब ये पार्टी का मामला है, सीएम जेएमएम के हैं और एक कांग्रेस के हैं और इन्होंने अपना पत्र कांग्रेस को सौंपेंगे। कांग्रेस उस बात पर विचार करेगी कि आखिर देखिए चुनाव होने वाला, दो चुनाव है, एक लोकसभा चुनाव, एक विधानसभा चुनाव, अगर इस स्थिति में अगर वो इस्तीफा दे देते हैं, अगर मंजूर का इस्तीफा वापस हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो है एक पार्टी के लिए गलत संदेश जाएगा, क्योंकि अगर कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता का काम है हंगामा करना, अगर बड़े नेता इस तरह का करेंगे तो अच्छा संदेश नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं जो है भले उन्होंने एक पत्र दे दिया है सीएम को, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उनको जो है पद से मुक्त किया जाएगा, क्योंकि एक टैलेंटेड वो नेता है, क्योंकि उनकी विधानसभा लोकसभा में बैठ मानी जाती है। यही कारण है कि जो है अभी भी जो हमारी जो बातें हुई कार्यकर्ताओं से, अभी इस तरह गुस्से में उन्होंने पत्र दे दिया है वो अलग बात है, लेकिन पार्टी जो है उनको मनाएगा कि इस तरह का मत कीजिए, आखिर प्रभारी मंत्री का जिम्मेवारी कौन लेगा, क्योंकि उनको धनबाद के बारे में पूरी तरह से जानकारी है कि कहां से क्या हो सकता है। तो यही कारण है कि भले उन्होंने गुस्सा में दे दिया अलग बात है, लेकिन अभी कहना जल्दीबाजी होगा कि इस्तीफा उनको वापस होगा नहीं होगा, लेकिन अब पार्टी के कमान पे निर्णय करता है कि उनके पद से मुक्त कर दिया जाता है या पद पर बरकरार रहते हैं। सुष्मिता, बिल्कुल अशोक, तो देखिए बन्ना गुप्ता 20 सूत्रीय लोकसभा प्रभारी के पद से उन्होंने इस्तीफा के आग्रह किया है और एक पत्र भी उन्होंने सीएम और कांग्रेस के नेतृत्व को भेजा है। तमाम जानकारी के लिए अशोक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें